धन्यवाद थैंक यू अर्चना जी धन्यवाद धन्यवाद बैठिए अर्चना जी 2003 में एक फिल्म आई थी हंगामा बॉक्स ऑफिस पे उसने हंगामा मचा दिया था मजा था कि नहीं तो एक बार फिर से वही मैजिक क्रिएट करने के लिए इसके मेकर्स बना रहे हैं हंगामा 2 और आज अपनी फिल्म को अनाउंस करने के लिए इस फिल्म की पूरी कास्ट यहां पे आ रही है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल वेरी चार्मिंग वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और साथ में हम सबके फेवरेट वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर परेश रावल जोरदार तालियां और किसी की सीटी निकल रही हो अभी भी निकल रही है सर्दी का मौसम है ना निकल जाती कभी कभी जोरदार तालियां परेश सर और शिल्पा के लिए परेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शिल्पा बहुत स्वागत है आपका थैंक यू बहुत बहुत बधाई आपको हंगामा 2 शुरू हो रही है जी और हम सब लोग अभी तो सिर्फ अनाउंस ही हुआ है और लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभी ट्रेलर आएगा उसके बाद फिल्म आएगी हंगामा तो होने ही वाला है पर आपने तो ऑलरेडी हंगामा किया और हर बार आती हो एक डेढ़ इंच कमी हुई होती हो आप नहीं यार बस आपका एक डेढ़ इंच जो है ना बढ़ जाता है तो आपको ऐसे लगता है मेरा कम हुआ थोड़े अर्चना जी को भी टिप्स दे रहे ना थोड़ा सा हाँ अब दो साड़ी का कपड़ा लगता है इनको हम सोच रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है अर्चना जी यू लुकिंग हॉट एक्चुअली आई कांट इवन से क्यूट लुक हूज टॉकिंग फिल्म का शूट शुरू होने से पहले ना शिल्पा ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टा पे जिसपे उछल कूद के डांस कर रही थी अब किस बात की ज्यादा खुशी थी कि प्रिय दर्शन के साथ आप पहली बार काम कर रही हैं कि पैसे बहुत ज्यादा मिल गए थे What kind of happiness was that? पैसों के लिए नहीं काम करती हाँ, actually, मैं यहाँ पे भी तो आती हूँ फ्री में हमने शूटिंग अभी अभी शुरू की और जो हंगामा हो रहा है हमारे सेट पे ये है हमारे प्रिय पतिदेव राधे राधे श्याम तिवारी ऐसा लगता है प्रोविडेंट फंड सैलरी के साथ मिल गया है हाँ ऑन अ सीरियस नोट ये पिक्चर मेरी तीसरी या चौथी फिल्म है जिनको मैं कभी ना नहीं बोल सकती रतन जी जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया बाजीगर धड़कन मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी सारी मेरी हिट फिल्में मुझे भी इंट्रोड्यूस और मैं हूँ यहाँ पे इनकी वजह से यहाँ पे बैठे रतन जी फोकस करिए रतन जी तो प्रोड्यूसर रतन जैन साहब वो भी हमारे बीच मौजूद है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी भी पहली फिल्म जिसको 10.5 करोड़ की ओपनिंग लगी थी वो भी रतन जी ने बनाई थी रतन जी इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं सामने बैठे थे चुपचाप चेक शर्ट पहन के लगता किसी बैंक में मैनेजर हैं पर हैं बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं लगता नहीं बस देखो चेक शर्ट पहन के आए हैं वो चेक सोच लो द चेक्स आर मेड फ्रॉम देयर ओनली सर बहुत बहुत स्वागत है आइए परेश जी आइए शिल्पा बहुत बहुत स्वागत है अच्छा परेश सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा स्पेशली अगर प्रिय दर्शन सर की फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी हंगामा हलचल मालामाल वीकली अब जाके आपको हिरन मिली वो भी शिल्पा शेट्टी तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इंतजार का फल मीठा और लंबा होता है फल मीठा बिल्कुल अच्छा एक सवाल अर्चना जी का था कि आप कराटे में ग्रीन बेल्ट हैं जी तो जब आपको ग्रीन बेल्ट दे रहे थे आपने उनको कहा नहीं कोई बेबी पिंक में कुछ दिखाओ मैंने कहा था ना ये सवाल बच्चों वाला मत पूछो आप
मैंने पूछा था ना. दो सवाल थे इनके. हाँ. एक सवाल अपरेश सर आपके लिए भी था. अच्छा. हाँ. कह रही थी कि आपकी मिसेज स्वरूप जी मिस इंडिया रही हैं और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो वो पसंद आनी थी. लेकिन शुरुआती दौर में आपने सारे गुंडे मवाली वाले रोल किए, उनको आप कैसे पसंद आए सर, ये इनका सवाल था. ये कहते हैं औरतें बड़ी भोली होती है. लेकिन इनके हस्बैंड का कुछ और ही कहना है. आई मीन एक्सपीरियंस से बोल रहा ना. कैसे झेलती हैं आप घर में पतिदेव को? झेलना तो भैया मतलब वो तो कुदरत का वो है, लेकिन इसको झेलना यहाँ पर, आई मस्ट बी पेड वेरी वेल. और हम लोग तो वेट करते ना कि हमारी पेमेंट आ गई या नहीं आई, ये सीधा गर्दन से पकड़ती हैं बंदे को. ये चैनल वाला बंदा बैठा हुआ ब्लैक शर्ट में, इसके कॉलर लगा हुआ था एक महीने तक यहाँ पे. जब कॉलर लगा तो दूसरी बार चेक मांगने ही कॉलर लगा हुआ था, कहता मैडम मेरे कॉलर लगा. कहती कोई बात नहीं, दाढ़ी से खींच लिया. राज की बात बताऊं, राज कुंद्रा की बात बताऊं. उन्होंने ना शिल्पा का नाम बीबीसी भी रखा हुआ है. हाँ, फुल फॉर्म बॉर्न बिफोर कंप्यूटर्स, क्योंकि एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी में बहुत खराब हूँ. अरे पर इंस्टाग्राम पे तो यू आर लाइक फ्लाइंग. वो टेक्नोलॉजी थोड़ी है दैट इंस्टा. अभी आपने टिकटॉक नहीं देखा इनका? अच्छा. हाँ हाँ, लेकिन दैट्स नॉट, इट्स नॉट समथिंग मेजर. जो चैलेंज जब वो फाइल आता है, जब बच्चे के स्कूल में से होमवर्क भी आजकल यार ईमेल पे भेजते हैं और फिर वेरा क्रॉस में जाना पड़ता है, फिर कुछ और डाउनलोड करना पड़ता है, चार फाइल डाउनलोड कर, मतलब. तो ये चीज ही मैंने पहली बार सुनी कि बच्चे का होमवर्क ईमेल पे आता है. तो बाप का ईमेल आईडी ना हो तो जैसे हम लोग. वाओ. पर सर मैडम ने आपका भी कोई निकनेम रखा हुआ है? वो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग. अगर कुछ काम निकलवाना हो तो अरे सुनिए, अगर काम कुछ करवाना तो सुन. शिल्पा आपके बारे में एक बात सुनी कि जो आपको इंग्लिश के अलावा गुजराती, तमिल, तेलुगु काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ये बात सही है? हम पूछना चाहते, कभी पूछा नहीं एक्चुअली. नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी तो नहीं आती, मैं समझ लेती हूँ. बॉम्बे में रह के मेरा पूरा स्टाफ जो है महाराष्ट्रियन है. अच्छा जी. मैं तुलू बोलती हूँ, इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में सीखने की कोशिश कर रही हूँ. हमारे चलते फिरते जो शब्दकोश है हमारे सेट पे, आशुतोष जी. जी जी जी. हाँ, तो हमारा एक कुछ कॉम्पिटिशन वार्तालाप जो हमारी हमारे बीच में होती है वो बड़े मजेदार होती है. आपको पता अर्चना जी को तो फ्रेंच भी आती है, लैंग्वेज नहीं दाढ़ी. पर ये बात मैंने दिल से नहीं बनाई, इनकी वाइफ ने मुझे बताया था, सॉरी इनके हस्बैंड ने बताया था. ओके, ये बात खत्म करते हैं यार. अब वक्त है फिल्म हंगामा 2 में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का. प्लीज वेलकम मिस्टर मिजान जाफरी, परनीता सुभाष, मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर राजपाल यादव, मिस्टर मनोज जोशी एंड मिस्टर रमन त्रिखा. जोरदार तालियां. Welcome. एक बार जोरदार तालियां हंगामा 2 की सुपर टैलेंटेड कास्ट के लिए. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. प्रणीता बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार आपसे मुलाकात हुई है. सेम यार, थैंक यू. थैंक्स. फिल्म हंगामा 2 से आप डेब्यू कर रही हैं. एक्चुअली मुझे और खुशी हो रही है कि कपिल शो में डेब्यू कर रही हूँ. सो रियली रियली एक्साइटेड टुडे. प्रणीता वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली? बैंगलोर. कर्नाटका. कर्नाटका. बैंगलोर. बैंगलोर. आई लाइक बैंगलोर वेरी मच. वैसे दीपिका भी बैंगलोर से ही है ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.